नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन का लेवल 13 से डाउन करते हुए लेकर आए 0.4 पे। जब ये हमारे पास आए तो इनका डायलिसिस भी हो रहा था और इनको और टाइप की भी दिक्कतें थी। तो अब चलते हैं नवमीश जी की बात, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो नवमीश जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये जो टेस्ट कराया था मैंने 8 मार्च को। 8 मार्च को तब लेवल कितने थे? 13 पॉइंट था। तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी, खाना नहीं खाते थे, मतलब रंग पीला हो गया था। रंग पीला हो गया था जी, चलना फिरना दिक्कत आ रही थी। तो फिर डायलिसिस करवाया था आपने? नहीं, भर्ती हुआ था। भर्ती हुए थे? हाँ, भर्ती होने के बाद डायलिसिस हुआ। तो जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए थे तो आपको कितनी बार डायलिसिस होता था? 8 महीने आपने डायलिसिस करवाया है। तो कितनी बार हफ्ते में होता था डायलिसिस आपका? हफ्ते में तो एक बार ही होता था। हफ्ते में एक बार डायलिसिस आपका चल रहा था जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए, ठीक है? तो तब लेवल क्या इतने रहते थे डायलिसिस से पहले वाले? 10 चल रहा था, 10 के आसपास रहता था। और उसके बाद आपको क्या बदलाव नजर आया? कितने महीने हो गए पहले ये बताओ, साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते कितने महीने? मैं 28 जुलाई को यहाँ पे आया था। 28 जुलाई को आए थे और निकाल से 4 महीने हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, चौथा महीना अभी शुरू होगा। इन 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर क्या बदलाव नजर आया? मुझे बदलाव 60% आया। 60% डायलिसिस आपका हो रहा है? डायलिसिस 7 अक्टूबर को बंद हो गया। 7 अक्टूबर को डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आता है आपका? क्रिएटिनिन लेवल 0.4। ये नवमीश जी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अक्टूबर की, इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन लेवल 0.4 है जो कि नॉर्मल से भी बिलो जा रहा है। ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो हमने 13 से जर्नी शुरू की, फिर वो 10 पे आया, हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता था, ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर किया। इनकी अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें तो इनकी किडनी श्रिंक आती है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई थी। और जैसे जैसे हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की, इनकी किडनी ने ही काम करना शुरू किया, इसलिए इनका डायलिसिस कम हो गया। क्योंकि देखिए, समझिए, खून तो गंदा हर टाइम होगा ही होगा। अब खून को साफ करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेशेंट की किडनी से खून को साफ करें या फिर हम डायलिसिस से करवाएं। अगर हम डायलिसिस पर जाते हैं तो हम अपनी किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी में कोई काम नहीं करती, किडनी को कोई मेडिसिन नहीं देते, जिसकी वजह से किडनी अगर हम काम नहीं करते तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। मगर जो पेशेंट डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस के ऊपर किडनी को चूज़ करते हैं कि चलो किडनी भी कोशिश करते हैं, किडनी थोड़ा सा काम करना शुरू करे, तो हमें ऐसे नवमीश जी जैसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर किडनी पहले की तरह काम करना शुरू करती है। अब इनकी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं हो रही। पिछले मेरे ख्याल से 1-2 महीने हो गए डायलिसिस आप? हाँ जी, 2 महीने से इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम अपनी किडनी को किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मौका देते हैं काम करने का। अब नवमीश जी ने मेडिसिन के साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी रखा होगा? हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन चल तो अभी चल रही है, खाने पीने में परहेज किया था? हाँ जी, परहेज अच्छे से किया था, प्रॉपर तरीके से परहेज तो अभी। आपने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? बीपी का ध्यान रखा था अपना? बीपी का ध्यान रखा था? हाँ जी, बीपी का ध्यान। तो हमें ना सिर्फ मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब वो किडनी का इलाज शुरू करते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, घिया तोरी टिंडिया खाना शुरू कर देते हैं सिर्फ, वो भी उबला हुआ हल्दी नमक के साथ। ऐसे पेशेंट जो सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हैं उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाती है। कारण क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी ताकत नहीं मिल पा रही। अगर आपने किसी चीज़ को ठीक करना है बॉडी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर किडनी को ठीक कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो नवमीश जी, आप बाकी जो किडनी के मरीज़ हैं उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं तो एडवाइस ये करना चाहूँगा, साई संजीवनी हॉस्पिटल में आएँ और थोड़ा इलाज कराएँ। चलिए, थैंक यू जी, आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे हमारे साथ, और ऐसे जितने हम पेशेंट की जितनी मदद करें हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत हमारा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है वो आने वाले कुछ एक टाइम में बंद हो जाए और आपको हर टाइप की दवाइयों से, इलाज से छुटकारा हो जाए।